भारत सरकार ने फिर की 43 चाइनीज ऐप पर स्ट्राइक। भारत सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर 43 चाइनीज ऐप पर लगाया प्रतिबंध। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन 43 मोबाइल ऐप का भारतीय यूजर्स के लिए एक्सेस रोका जा रहा है। दरअसल उन मोबाइल एप्लीकेशंस के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। इन ऐप के बारे में इनपुट मिला कि ये ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। जानिए कौन कौन सी ऐप हैं शामिल। ये वो सभी ऐप हैं जिनमें कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले भी भारत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब तक भारत सरकार चाइनीज ऐप में कुल मिलाकर 220 ऐप बैन कर चुकी है। आपको मालूम होगा कि सरकार ने 29 जून और 2 सितंबर को भारत की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते हुए कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोनों बार ज्यादातर बैन की गई एप्लीकेशन चीनी मूल की थी। इन ऐप्स में अली सप्लायर्स, मोबाइल ऐप, अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, स्मार्ट शॉपर, बेटर लिविंग, अलीपे कैशियर शामिल हैं। देखिए कब कितने ऐप पर लगा बैन। मंगलवार 24 नवंबर 2020 के दिन भारत सरकार ने 43 ऐप बैन की हैं। इससे पहले 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स तक पहुंच को बैन कर दिया था और 2 सितंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सरकार ने कहा था कि वो सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों और संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी। तब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि चाइना की सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।